बार एसोसिएशन पठानकोट की ओर से एक विशेष बैठक का आयोजन नवनियुक्त अध्यक्ष नवदीप सैनी की अध्यक्षता के बीच जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें बार के पूर्व अध्यक्ष ललित मोहन डोगरा, पूर्व अध्यक्ष अजय डडवाल और वरिष्ठ एडवोकेट भारत भूषण विशेष तौर पर शामिल हुए। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वोटरों को 19 मई को पंजाब में होने जा रही 7वें चरण की वोटिंग के लिए बढ़ चढ़ कर वोट करने की अपील की गई। बैठक संबंधी जानकारी देते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवदीप सैनी व वरिष्ठ एडवोकेट भारत भूषण ने बताया कि बार एसोसिएशन ने 19 मई को पंजाब में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की वोटिंग के लिए सभी वोटरों को प्रेस मीडिया के माध्यम से ज्यादा वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें अपने वोट के अधिकार का उपयोग बिना किसी जात पात, बिना किसी धर्म, डर और किसी लालच के कारण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उस उम्मीदवार को चुनना चाहिए जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को लोकसभा में उठा सके, साथ ही जो देश का विकास कर सकता हो। उन्होंने कहा कि वोटर की एक वोट देश की नई सरकार चुनने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के वोटर जिनकी आयु 18 से ऊपर है के सभी वोटरों को अपनी वोट के साथ साथ आस पड़ोस के ज्यादा से ज्यादा वोट भी डलवाने की अपील की। इस अवसर पर एडवोकेट विनोद धीमान, एडवोकेट एसएस भल्ला, एडवोकेट ऋषभ अग्रवाल, एडवोकेट रजत शर्मा, एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट कमल जीत कौर मौजूद थे। पठानकोट से रजनीश कालू की रिपोर्ट। आउंदियां लोकसभा दी चोणां 19 मई 2019 नूं जो हिंदुस्तान दे विच हो रहियां ने, मैं सारे भारत वासियों नूं और अपने इलाका निवासियों नूं ये अपील करदा, बेनती करदा कि अपने मताधिकार दा जिहड़ा प्रयोग जिहड़ा सही जिहड़ा कीता जावे, तां जो जिहड़ा उचित उम्मीदवार जिहड़ा वो साडी नुमाइंदगी इलाके दी करके पार्लीमेंट दे विच जा के इलाके दीआं जिहड़ीआं डिमांड्स ने, इलाके दीआं जेन्युइन डिमांड्स बारे जिहड़ी आ उह गल रख सके, तां जो इसे तरह हर इलाके दे विच्चों अच्छा उम्मीदवार जिहड़ा पार्लीमेंट विच जा के बैठेगा और देश दे राष्ट्र दे हित विच जिहड़ा गल करेगा और जिस दे नाल देश दी अखंडता, देश दी एकता और देश दी तरक्की जिही लई जिहड़ा काम करे, उह जिहड़ा देश दा प्रतिनिधित्व अच्छा कर सके, उह लीडर जिहड़ा देश दा जिहड़ा उह सानूं चाहीदा है। मैं जनता दे अगे अपील करदा कि अपना मतदान बिना किसी डर तों, बिना किसी भय तों, बिना किसी दबाव तों 19 मई नूं जिहड़ा 2019 नूं मताधिकार दा प्रयोग करो ते कोई अपना वोट बिना पाए अपना बांझा ना रहे, ये मैं अपील कर। जो 19 मई 2019 नूं संविधान दे इलैक्शन हो रहे हैं, जनरल इलैक्शन हो रहे हैं इंडिया दे, ते इना विच मैं ही जनता अगे अपील करदा हाँ कि सानूं वध तों वध हिस्सा लैना चाहिए, योगदान देना चाहिए और अपना जो वोट का अधिकार है बिल्कुल बिल्कुल सानूं इहदा प्रयोग करना चाहिए है और बिना किसी इन्फ्लुएंस तो, बिना किसी लोभ तो सानू ऐसी सरकार चुननी चाहिए जिहड़ी भारत निर्माण दे विच पूरा योगदान पा सके और भारत तरक्की कर सके। ये कहना चाहना कि हर एक नू वोट अपना इस्तेमाल करना चाहिए ता कि असी वधिया ते प्रभावी सरकार चुन सकीए ते देश दे हित विच जिहड़े काम कर सके। जे अज अहीं उहनां दे प्रभाव विच आ गए, गलत वोट दा इस्तेमाल कर दिता, तां फिर पछताना पैंदा बाद दे विच, जो कि लोकां हितां विच काम नहीं किया जाता सरकार वल्लों। तो मैं यही कहना कि ठीक इस्तेमाल करके ठीक सरकार चुनी जाए। मैं पठानकोट की जनता अगे यही अपील करना, खास करके मिडल क्लास अगे, भी पूरे जोर शोर नाल इस इलैक्शन दे विच पार्टिसिपेट करन और हर बंदा बजुर्ग और 18 साल तो उत्ते जिहड़ा बच्चा है वह करो वोट पाउण जरूर आए, किसी भी पार्टी नूं वोट पाए जिहड़ी उहनूं सही लगदा कैंडीडेट नूं वोट कास्ट जरूर करे। थैंक यू। विश्व विच भारत का जिहड़ा लोकतंत्र है वह सब तो वड्डा लोकतंत्र है और भारत के संविधान ने देश के हर नागरिक नूं वोट देने का अधिकार दिता है और मेरे विचार विच यह जिहड़ा अधिकार है इहदा बिल्कुल सही सदुपयोग करना चाहिए, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी को पैसा लिया या किसी किस्म की कोई वस्तु लिया, अपने जिहड़ा इस हक का अधिकार है वह इंडिपेंडेंटली करना चाहिए, वो ता कि देश का भविख जिहड़ा देश साडा बाकी मुल्कां नालों सब तो अगे तरक्की करे और देश के भविख में आज़ादी के नाल इलैक्शन होना बहुत जरूरी है।
19 मई 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਕਿ 19 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।